अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ऐसे ही आप सभी को खुश रखे। कट्टर हिंदू विजय को पुलिस घसीट कर ले गई। बिट्टू बजरंगी के बाद पुलिस नफरती चिंटू का इलाज करना शुरू कर दिया है। आए दिन मुसलमानों के खिलाफ देश के किसी ना किसी हिस्से में हेट स्पीच दी जाती है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब पुलिस इन लोगों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से बताऊंगा पूरी खबर के बारे में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में फेसबुक पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करता हूँ। आपको बताता चलूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर में नू हिंसा के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया था। और ये आयोजन क्या था? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, नफरतें फैलाना, लेकिन पुलिस एक शर्त पर महापंचायत आयोजन करने का परमिशन दिया था कि यहाँ पे किसी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी जानी है, भड़काऊ भाषण नहीं देना है। ये चीज़ इसमें एग्री होकर के वो लोग महापंचायत शुरू किया था। लेकिन कुत्ता का जो दुम होता है ना, वो कभी सीधा होने वाला नहीं है। ये लोग फिर अपनी औकात पे आ गए, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें फैलाना शुरू कर दिया, जहर उगलना शुरू कर दिया। अभी आपने हाल ही में देखा था कि दो दिन पहले मुंबई के मुमरा में लाखों लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, कहीं पे कुछ किसी के खिलाफ कोई भाषण नहीं, कुछ भी नहीं दिया। ये सारे नफरती चिंटू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए सिर्फ इकट्ठा हुआ था, लेकिन पुलिस ने इनको सबक सिखाया है। दोस्तों आपको बताऊंगा इसको लेकर के सोशल मीडिया में लोगों की राय क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहे। नरगिस बानो ने ट्वीट किया, वो लिख रही कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, कट्टर हिंदू नाम से फेमस विजय को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कट्टर हिंदू विजय दिल्ली की सड़कों पर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता था और मुसलमानों को गालियां भी देता था। वहीं पर दोस्तों इसको रीट्वीट करते हुए संतोष कुमार यादव लिख रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों का यही हश्र होना चाहिए। वहीं पर यमी खान लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये आदमी पेड वर्कर है, हर जगह गंद मचा रखा है। दिल्ली दंगा, किसान आंदोलन, नू हिंसा, मेवात हिंसा, लोगों को भड़का रहा था, ये समाज के लिए खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं पे आशीष लिख रहे हैं, पेड वर्कर किसका? बीजेपी का, आरएसएस का। दिल्ली में तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ना। तुम लोग बीजेपी के वोटर हो तो तुम लोगों को खुश करने वाला फॉर्मूला भी लागू नहीं होता है। बिल्कुल। वहीं पर वीरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों को जमकर कुटाई हो। वहीं पर डॉक्टर अखलाक लिख रहे हैं कि क्या बात है, मज़ा आ गया, दिल्ली पुलिस की जितनी तारीफ़ करनी चाहिए उतनी कम है। वहीं पर मोहम्मद आरिफ लिख रहे हैं कि इस तरह से नफरत कम हो सकती है, जो नफरत फैलाए उस पर कार्रवाई हो। वहीं पर रामकेश लिख रहे हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को ऐसे कुत्तों का यही अंजाम होना चाहिए, पुलिस लॉकअप में डालकर लठ मार मार कर पिछवाड़ा लाल कर दो। वहीं पे रिया जोरवाल लिख रहे हैं कि इन्होंने देश में अराजकता और अशांति पैदा कर रखा है, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। तौर तरीके से यही देश के ताज़ा अंग्रेज़ हैं। वहीं पर राहुल झंझार लिख रहे हैं कि हेट स्पीच वालों के कुत्ते को जूते मारो, यही विनती है लोगों से, हेट स्पीच वालों का बायकॉट करो सभी मिलकर। वहीं पर दोस्तों दीपक लिख रहे हैं कि लगता है देश में कुत्ते पकड़ने का अभियान चल रहा है। बिल्कुल दोस्तों। वहीं पे यूथ अगेंस्ट हेट लिख रहे हैं कि ये बड़ा देश भक्त है, इसको LAC भेज देना चाहिए चीन से लड़ने के लिए। भाई दोस्तों आपकी क्या राय है इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से शेयर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।